इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत कुछ अभी कहने के लिए हमारे पास चीजें नहीं है, अभी कुछ ही समय पहले मुझे इस राज का बागडोर हमारे हाथों में आप लोगों ने सौंपा है और जब से सरकार संभाली है तब से मैं लगातार राज्य के हर क्षेत्रों पे और राज्य के हर कार्यों को लेकर मैं लगातार चिंतन मंथन पे हूं। व्यस्तता थोड़ी सी बढ़ी हुई है, आज मुख्यमंत्री के साथ साथ राजनीतिक व्यक्ति भी हूं, आम लोगों से मिलने जुलने के साथ साथ कार्यपालिका के चीजों के साथ भी जुड़ा रहना पड़ता है, नहीं तो थोड़ी सी गलती का बड़ा परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो आपके समक्ष रखा है, हमारे भी संज्ञान में कई विषय हैं और ये बात सही है कि सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और मैं उसी चुनौती को भविष्य में एक अवसर के रूप में बदलने की कोशिश पर हूं और सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए भी हमारी चिंताएं हैं। और इसको लेकर आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सुझावों के साथ ये सरकार एक ऐसी लकीर खींचेगी जो इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। हर वर्ग, हर समाज, हर जाति धर्म के लोग मान सम्मान से यहां वास करें और सदियों से तो हमारी परंपरा भी रही है, झारखंड जैसे राज्य में कई चुनौतियां रही हैं, कई समस्याएं रही हैं, इसके बावजूद यहां का सामाजिक ताना बाना ऐसा रहा है कि बड़ी से बड़ी दुख उनके ऊपर विपत्ति पड़ा हो उसको लोगों ने हंसते खेलते पार किया।